स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। मैं सिद्धांत सरल वैदिक केकी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने प्रश्न कुंडली का भाग तीन लेकर उपस्थित। पिछले दो पार्ट्स में जो मैंने बताया है उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम समझेंगे कि प्रश्न कुंडली का जवाब देने के लिए हमारे अंदर क्या क्या काबिलियत और हमारे अंदर क्या क्या जानकारी होनी बहुत जरूरी है। देखिए, एक जातक जब आपके पास आता है उसको भाव भावेश कार्येश लग्नेश सप्तमेश नहीं मालूम होता। कुछ को अगर छोड़ दे तो कुछ जातकों को थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स को जितनी जानकारी होती है साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो इतनी जानकारी ऑक्युपाई करके रखता हो। तो प्रश्न कुंडली का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि त्वरित प्रश्न जो किया गया है किसी भी चीज से संबंधी, किसी भी चीज की प्राप्ति से संबंधी, उसका हाँ या ना उत्तर, सफलता या असफलता का उत्तर देना होता है। जैसे आपके दिमाग में कौन सी चीजें रहनी जरूरी है, समझ लीजिए कि प्रश्न के वक्त लग्न में यानी प्रथम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शुक्र बैठा हो, यहाँ शुक्र बैठा हो या बृहस्पति बैठा हो, चंद्रदेव बैठे हो, तो जातक ने जो भी प्रश्न पूछा है आप फर्स्ट स्टेप में ये आप सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि इस जातक के प्रश्न का उत्तर पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रथम भाव में शुभ ग्रह देख लिए और जातक को कह दिया कि आपको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि उसके प्रश्न का उत्तर शायद हाँ में आएगा। उसके बाद कार्येश की भूमिका आ जाती है। कार्येश मतलब जिस भाव से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए नवम भाव से संबंधी प्रश्न पूछा गया, नवम भाव से संबंधी प्रश्न पूछा गया तो नवमेश का संबंध देखना जरूरी हो जाता है। अब दूसरा बिंदु आपने ये याद रखना है कि प्रश्न के वक्त अगर शीर्षोदय राशियां लग्न के तौर पर उपस्थित हो रही हैं, जैसे ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि मिथुन सिंह कन्या तुला वृश्चिक और कुंभ, ये छह राशियां शीर्षोदय राशियां होती हैं। प्रश्न लग्न के वक्त अगर मिथुन लग्न आ जाए, सिंह लग्न आ जाए, कन्या लग्न आ जाए, तुला लग्न आ जाए, वृश्चिक लग्न आ जाए या कुंभ लग्न आ जाए तो ये भी प्लस पॉइंट का एक क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में फर्स्ट एट ए ग्लांस ये सोच आपके दिमाग में आ जाएगी कि जातक जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें उसको सफलता मिल जाने का चांस है। अब इसमें प्लस माइनस कैसे आपने देखना है। शीर्षोदय राशियां मान लीजिए यहाँ उदय होती है, मान लीजिए यहाँ मिथुन लग्न उदय हो रही है और यहाँ शुभ ग्रह बैठ गए हैं। शुभ ग्रह जैसा कि आप जानते हैं शुक्र बृहस्पति चंद्रमा, इनको शुभ ग्रह कहा जाता है। अगर ये यहाँ बैठ गए हैं तो आपके प्रश्न में कार्य सिद्धि लगभग 100% भी कह सकते हैं कि कार्य सिद्धि आपको अवश्य होती है, अवश्य होगी। अगर लग्न में शीर्षोदय राशि उदय होने के साथ ही यहाँ अगर शुभ ग्रह भी बैठने लगे तो। अब दूसरा बिंदु भी समझ लीजिए, यहां मान लीजिए मंगल शनि और राहु जैसे ग्रह अगर प्रथम भाव में बैठे हैं, शीर्षोदय राशि उदय होने के बावजूद यहाँ पाप ग्रह अगर बैठ गए हैं, मंगल शनि राहु सूर्य क्रूर ग्रह केतु पाप ग्रह अगर बैठ गए हैं तो फिर कार्य सिद्धि या सफलता में संदेह उत्पन्न हो जाता है। यहाँ शीर्षोदय राशि भी आपको सफलता नहीं दिलाएगी। कुछ विद्वानों के मत के अनुसार नवांश भी प्रश्न कुंडली के वक्त देख लेना चाहिए। अगर नवांश शुभ ग्रह के नवांश में उदय होता है, लग्न की डिग्री के अनुसार नवांश निकलता है जैसा कि आप जानते हैं, तो शुभ ग्रह की नवांश में अगर उदय होता है तो भी कार्य सिद्धि होने का योग बन जाता है। अब आपने कुछ और चीजों को ध्यान देना है कि प्रश्न का उत्तर पॉजिटिव या नेगेटिव
ज्यादातर तो लोग पॉजिटिव उत्तर लेने के लिए ही आते हैं, नकारात्मक उत्तर सुनने के लिए कोई नहीं आता है। तो कार्य सिद्धि कैसे होगी ये देखने के लिए हमें जिन बातों का ध्यान देना है उस पर अब आप लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए, उदाहरण में ज्यादातर सप्तम और पंचम को ही बनाऊंगा क्योंकि प्रेम संबंधी और विवाह संबंधी प्रश्न ज्यादा आते हैं, नौकरी संबंधी प्रश्न भी आते हैं, तो उसको भी उदाहरण बना दूंगा मैं पार्ट फोर पार्ट फाइव में, कहीं ना कहीं जरूर बना दूंगा। यहां मैं पंचम भाव को बनाता हूं आपके लिए उदाहरण। अब आप समझिए कि प्रश्न के वक्त मिथुन लग्न उदय हुई है, मिथुन लग्न का लॉर्ड बुध है और पंचम भाव का लॉर्ड शुक्र है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि बुध और शुक्र अक्सर एक भाव में भी पाए जाते हैं, यानी एक ही राशि में पाए जाते हैं। तो मान लीजिए बुध और शुक्र यहाँ सप्तम भाव में अगर बैठ गए और सप्तम भाव में बैठकर लग्न पे अगर उन्होंने दृष्टि डाली, बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि अगर लग्न पे है, तो ये कार्य सिद्धि का आप एक इशारा समझ सकते हैं, मापदंड समझ सकते हैं। या एकादश भाव में बुध शुक्र बैठकर सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो भी ये आपके लिए जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में सफलता का योग बनता है। यानी पंचम प्रेम से संबंधी अगर प्रश्न पूछा गया है तो निश्चित तौर पे यहाँ सफलता का चांस बढ़ जाता है। यदि संतान संबंधी प्रश्न है तो भी संतान संबंधी प्रश्न में सफलता आपको मिल सकती है, ठीक है ना। दूसरा, इसको जरा एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए मेष लग्न उदय हो रही है प्रश्न लग्न के दौरान और संतान या प्रेम संबंधी प्रश्न है, तो आप इसको इस तरह देखें कि अगर मंगल सप्तम भाव में बैठकर या छठे भाव में बैठकर, मान लीजिए मंगल यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल निश्चित तौर पर सप्तम में बैठ के सीधे आपको दृष्टि डालेगा लग्न पे, और पंचमेश सूर्य एकादश में बैठकर और पंचमेश सूर्य एकादश में बैठकर पंचम भाव में दृष्टि डाल रहा है। अगर संतान प्रेम संबंधी प्रश्न के दौरान ये स्थिति आपको प्रश्न कुंडली में मिलती है तो आप कह सकते हैं कि सफलता मिलेगी आपको। इसका विपरीत भी आप देख लीजिए। सूर्य मान लीजिए यहां सप्तम भाव में बैठकर लग्न पे दृष्टि दे और मंगल एकादश भाव में बैठकर या दशम भाव में बैठकर, यानी मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही हो या मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही हो या मंगल यहां द्वितीय भाव में बैठकर एक दो तीन चार चतुर्थ दृष्टि यहां पंचम भाव में दे रहा हो तो भी प्रश्न में सफलता या कार्य सिद्धि आप कह सकते हैं। इसको आप यूं समझे ज्योतिषीय भाषा में कि पंचमेश लग्न को देख रहा है और लग्नेश कहीं से भी पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहा है कहीं से भी, तो इसमें आप सफलता समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है, ये एक रूल है। एक रूल और भी है। मान लीजिए रूल जितने भी हैं वो सारे एक ही लग्न पे लागू नहीं हो जाते, तो रूल याद रखने लायक मैं आपको बता देता हूं यहां कि लग्नेश अगर पंचम भाव को देख रहा है और पंचमेश की दृष्टि यहां सप्तम भाव से लग्न पे अगर पड़ रही है, तो यानी लग्नेश अगर पंचमेश को देखता है, कार्येश को देखता है और कार्येश अगर लग्नेश को देखता है और चंद्रमा की दृष्टि इन दोनों पे अगर पड़ रही है तो कार्य सिद्धि हो जाएगी। अब यहां एक बात है कि अगर मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश कार्येश को और कार्येश लग्नेश को देखेगा तो चंद्रमा की दृष्टि दोनों ग्रहों पे नहीं पड़ेगी क्योंकि चंद्रमा की एकमात्र सप्तम दृष्टि ही है, वो कहीं भी बैठेगा तो ये दूसरी लग्न पे किसी और लग्न पे लागू हो सकता है।
ये रूल है, आपने याद रखना है। समझ में एक बार नहीं आए तो वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है, चंद्र की दृष्टि का भी महत्व होता है और चंद्र ग्रह का भी बहुत महत्व होता है। इसीलिए मैंने पार्ट टू में बताया था कि चंद्र वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न कुंडली के दौरान, इसलिए किसी भी प्रश्न कुंडली के प्रश्न की वैलिडिटी एक साल होती है। ठीक है, ये तो मैंने बताया कार्य सिद्धि होने वाले योग। अब बहुत से स्थितियां ऐसी बनती हैं, थोड़ी संशयात्मक स्थितियां बन जाती। अब जैसे प्रश्न के दौरान लग्नेश मेष लग्न की कुंडली निकली तो मंगल मान लीजिए यहां बैठा हुआ है, तो मंगल की दृष्टि ना लग्न पे है, ठीक है, और कार्येश पे किसी तरह से अगर दृष्टि है, कार्य से संबंधी अगर मान लीजिए पंचम भाव से संबंधी अगर प्रश्न है, तो यहां इस मंगल की पंचम भाव पे भी दृष्टि, तो इस मंगल की पंचम भाव पे दृष्टि नहीं, चौथी दृष्टि 1 2 3 4 यहां होगी, सातवीं दृष्टि यहां होगी और आठवीं दृष्टि यहां होगी चतुर्थ भाव पे। तो मंगल लग्नेश और लग्न की दृष्टि यहां नहीं है, लेकिन इस मंगल को कोई शुभ ग्रह अगर देख रहा हो, मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा हुआ है, मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपको मंगल पे पड़ गई, तो आंशिक सफलता आप कह सकते हैं। मतलब पूरी तरह से जातक को आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुमको सफलता नहीं मिलेगी, आप कह सकते हैं कि सफलता का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो कम है, 30% 40% के आसपास आप कह सकते हैं। अब इसको क्योंकि जुपिटर शुभ ग्रह है, यहां दृष्टि पड़ रही है, तो यहां एक रूल और लागू कर सकते हैं कि चूंकि जुपिटर की लग्न और लग्नेश दोनों पे दृष्टि पड़ रही है, लग्न पे भी नवी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना, तो ये भी आंशिक सफलता है। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि यहां तीसरे भाव में बैठकर पड़ रही है, तो बृहस्पति की यहां सप्तम दृष्टि तो मंगल पे पड़ेगी, लेकिन 8 9 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, लग्न पे दृष्टि नहीं होगी, तो आंशिक सफलता ही रहेगी। लेकिन लग्न और लग्नेश दोनों पर दृष्टि पड़ने का मतलब है कि सफलता का रेशियो बढ़ जाएगा। ये वीडियो थोड़े से बोर करेंगे, लेकिन जो सीखना चाहते हैं, जो ज्योतिष को, प्रश्न ज्योतिष को या एस्ट्रोलॉजी को सीखना समझना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनेंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो ये रहेगा। यहां आप एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि जुपिटर का यहां पंचम भाव में बैठ के मंगल यानी लग्नेश पे और लग्न पे दृष्टि डालना कार्य सिद्धि का रेशियो बढ़ा देता है, और शुभ ग्रह का सिर्फ सप्तम दृष्टि मंगल पे डालना कार्य सिद्धि का रेशियो कम कर देता है, लेकिन फेल नहीं है। आप यहां इनकार नहीं करेंगे जातक को कि नहीं होगा तुम्हारा काम, ये नहीं कहेंगे आप। अब इसको आप रेशियो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए यहां जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है यहां से, ठीक है, और वीनस यहां बैठा हुआ है, वीनस की सप्तम दृष्टि मंगल पे है और जुपिटर की पंचम दृष्टि मंगल पे है और नवम दृष्टि लग्न पे है, तो ये 75% सफलता का योग बना देता है, 100% नहीं बनाएगा, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, चंद्रमा का रोल यहां और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी तरह से अगर चंद्रमा पे भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो मान लीजिए बृहस्पति चंद्रमा यहां है या चंद्रमा यहां है या चंद्रमा यहां है, तो भी कार्य सिद्धि का रेशियो जो और बढ़ जाता है। ऊपर से चंद्रमा अगर पक्ष बली है, तिथि में बली है यानी शुक्ल पक्ष का है, तो आपके प्रश्न में सफलता का रेशियो बढ़ जाता है। आप जातक को इनकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं करेंगे। शुभ ग्रह से भी दृष्ट चंद्रमा ताकतवर बन जाता है, तिथि बली तो हुआ तो ताकतवर हुआ और शुभ ग्रह की दृष्टि की वजह से और ताकतवर वो बन जाता है। मान लीजिए इसको एक मिनट के लिए, मेष लग्न की कुंडली है इसको जरा सा भूल जाए अगर आप, तो अगर
पंचम भाव से संबंधित प्रश्न है और पंचमेश मान लीजिए जुपिटर है, मान लीजिए यह सिंह लगन की कुंडली है, पंचमेश जुपिटर है, तो जुपिटर की दृष्टि अगर सूर्य पे भी पड़ेगी यानी लग्नेश पे भी पड़े, चले मैं उदाहरण जब बता ही रहा हूं तो अच्छे से बताऊं। मान लीजिए प्रश्न कुंडली के वक्त ये कुंडली खुली है और प्रश्न वही है पंचम भाव से संबंधी संतान या प्रेम संबंधी, तो जुपिटर कहीं से भी सूर्य और चंद्रमा दोनों पे अगर दृष्टि डालता है तो कार्य सिद्धि 100% आप कह सकते हैं। मान लीजिए जुपिटर यहां बैठा हुआ है, चंद्रमा यहां है और सूर्य देव यहां है, तो पंचमेश यानी कार्येश की दृष्टि चंद्रमा पे भी है और सूर्य पे भी है, तो निश्चित सफलता का योग बनता है। चंद्रमा अगर यहां बैठ जाता है तो यहां प्लस पॉइंट और होता है एक कि चंद्रमा की भी दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है, तो पंचम भाव से संबंधी जो प्रश्न पूछा गया है उसमें सफलता का रेशियो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, कार्य सिद्धि आपकी पूरी तौर पे पक्के तौर पे स्थापित होती है। हाँ, ये जुपिटर रिट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ये वक्री नहीं होना चाहिए, वक्री होगा तो संतान से संबंधी प्रश्न में असफलता मिलेगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह समझना है आपको प्रश्न कुंडली को, क्योंकि प्रश्न कुंडली बहुत कठिन सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो फिर भी रोचक बना के बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक रूल और भी है, अगर लग्नेश और पंचमेश दोनों एक ही भाव में बैठे हो, मान लीजिए यहां एकादश में अगर बैठ गए सूर्य और बृहस्पति, सूर्य बृहस्पति यहां अगर एकादश में बैठ गए तो भी आपको प्रश्न में सफलता का योग बनता है। ये जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि ये एकादश भाव में दोनों बैठ रहे हैं, एकादश भाव प्राप्ति का भाव होता है, यहां सफलता का रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही दोनों अगर पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सन जुपिटर अगर पंचम में है या सन जुपिटर लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठ गए हैं और सवाल पंचम भाव से संबंधित है, तो कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अब मैं पंचम को उदाहरण बना रहा हूं, मान लीजिए यहां सप्तम भाव से संबंधी प्रश्न है, विवाह से संबंधी प्रश्न है, तो फिर सूर्य शनि यहां आप के मन में संशय आ सकता है कि सूर्य शनि आपस में शत्रु है, दोनों एक साथ रहेंगे तो कार्य सिद्धि नहीं होगी, लेकिन प्रश्न लग्न में आपको इस शत्रुता को भूल जाना होगा थोड़ी देर के लिए, यहां सिर्फ लग्नेश और कार्येश, कार्येश यानी जिस भाव से संबंधी प्रश्न पूछा गया है, लग्नेश और कार्येश इस शब्द को आपने ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, निश्चित तौर पे पाप ग्रह आपस में शत्रु ग्रह इन सब का इफेक्ट भी होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं एकदम डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं होता है, लेकिन लग्नेश कार्येश शब्द को आपने ज्यादा याद रखना है। हाँ, एक बात और याद रखनी है कि अगर लग्नेश की दृष्टि पंचम मेष पे या पंचम भाव पे नहीं है और पंचमेश की दृष्टि लग्नेश या लग्न भाव पे नहीं है, तो फिर काम में सफलता नहीं मिलेगी। आप जातक को कह सकते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें आपको सफलता मिलने के चांस कम है। कार्य की हानि यानी जातक जब प्रश्न पूछता है आपसे उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको 3-4 रूल ध्यान में रखने होंगे कि प्रश्न के वक्त अगर तृतीय भाव में पाप ग्रह है राहु मंगल शनि जैसे, या नवम भाव में राहु मंगल शनि जैसे पाप ग्रह है, तो काम का लॉस और धन हानि का योग बन रहा है। इसके साथ ही तृतीय में नवम में के साथ ही अगर अष्टम में भी पाप ग्रह है तो भी यही योग बनेगा। त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कुंडली का, आप जानते हैं त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर
त्रिकोण में पाप ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो भी कार्य सिद्धि नहीं होगी, इसे ध्यान रखिए, ये क्राइटेरिया है। एक प्रश्न के वक्त केंद्र में, यानी इस केंद्र में 1, 4, 7, 10 में अगर केंद्र में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो भी संशय उत्पन्न होता है कि सफलता का परसेंटेज प्रभावित हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि लग्नेश कार्यश की दृष्टि संबंध इन सब का क्या मतलब हुआ तब? उन सब का मतलब ये हुआ कि सफलता मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन पाप ग्रह अगर केंद्र में बैठे हुए हैं, क्योंकि ग्रह तो कहीं ना कहीं बैठेंगे, पाप ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं तो सफलता के बावजूद भी कहीं ना कहीं समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। केंद्र में ना हो, बहुधा तो आपने देखा है कई कुंडलियों में केंद्र खाली होता है, केंद्र में ना हो, प्रश्न आपका विवाह से संबंधित तो लग्नेश सप्तमेश, प्रेम से संबंधित है तो पंचमेश लग्नेश, नौकरी से संबंधित है तो षष्ठेश लग्नेश, एकादशेश द्वितीयेश का संबंध बनना चाहिए। तो पाप ग्रह मान लीजिए यहाँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके इस प्रश्न में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पाप ग्रह यहाँ बैठ गया है तो भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि नौकरी से संबंधित प्रश्न जब है और ये कार्यश छठा भाव कुछ और है, कार्यश के घर में अगर पाप ग्रह बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यहाँ इसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि प्रेम से संबंधी अगर प्रश्न है और पंचम भाव लग्नेश पंचमेश का योग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर शनि मंगल बैठे हुए इंडिविजुअल किसी और भाव के लॉर्ड होके, तो निश्चित तौर पे पाप ग्रह का कुछ प्रभाव वहां प्रश्न कुंडली में पड़ेगा। ठीक है, पार्ट 3 में यही समाप्त करता हूँ, वीडियो लंबा होने से बचाने के लिए 15-20 मिनट तक का, 25 मिनट तक का ठीक है, मैं 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं खींचना चाहता। तो चौथे पार्ट में मिलते हैं, मैं और इंडिविजुअल प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं उस पे और दृष्टि डालने की कोशिश करूंगा, और भी बहुत सी जानकारी मैं आपको दूंगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के माध्यम से और इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूँ फिर मैं अगले वीडियो में चौथे पार्ट को लेकर। थैंक यू।